देश भर में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का ही रुख देखने को मिल रहा है। चाहे सरकार ने कितने भी कदम क्यों ना उठाए हों, लेकिन आम उपभोक्ताओं को इसका फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता अभी भी महंगे दाम पर खाद्य तेल खरीद रहा है। सरकार के फैसले से शुरुआती दिनों में खाद्य तेलों की कुछ कीमतों में कुछ हल्की नरमी आई थी, लेकिन फिर दाम बढ़ गए। सरकार को कीमतें कम करने के फैसले लेने के बाद भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कीमतें काबू में हैं भी या नहीं। बात करें अगर वायदा बाजार की, तो वायदा बाजार में NCDX पर खाद्य तेलों में नरमी का ही रुख देखने को मिल रहा है। रिफाइंड सोया तेल की बात करें तो रिफाइंड सोया तेल में एक बड़े सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया गया है। रिफाइंड सोया तेल को हमने नीचे में 1210 से 1220 तक कारोबार करते देखा, वहीं ऊपर में 1260 से 1270 तक के लेवल्स पर। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में अगले सप्ताह भी सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। सोया रिफाइंड की कीमतों को नीचे में 1210 से 1220 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में कीमतें 1260 से 1270 तक कारोबार करती नजर आ सकती हैं। रिफाइंड सोया तेल का वायदा बाजार NCDX पर एक बड़े दायरे में कारोबार करते दिखाई दिया है। अमित सजेजा के मुताबिक जब भी वायदा बाजार में ऐसी स्थिति बनती है तो निचले स्तर से एक खरीदारी निकलती है, लेकिन कीमतें एक दायरे में ही रहती हैं। अमित सजेजा के मुताबिक रिफाइंड सोया तेल में 1260 से 1270 के स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।